व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। 24 अगस्त है और काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक शानदार कोटेशन। सीढ़ी उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इंसान जो है अपनी लिमिट खुद डिसाइड करता है। किसी के लिए भी भगवान या फिर अल्लाह गॉड ने कोई लिमिट नहीं बनाई है कि तुमको लाइफ में बस इतना अचीव करना है। जो अपनी रेखा आप लोग खींच लोगे लाइफ में, वही आप लोग अचीव कर पाओगे। अब आप लोग ये खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग को बनना क्या है लाइफ में। जब जिस तरीके से हमारी कंट्री में आप लोग खुद देख लीजिए, एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी एक छोटी सी जगह में रहने वाला जिसको एरिया को कोई जानता भी नहीं है, रामेश्वरम की छोटी सी जगह से निकलकर एक इंसान आकर हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इतनी गरीब फैमिली से निकलकर। तो ये देखिए, सबके पास में खुद की अपनी एस्पायरेशन होती है, सबके पास में खुद को अपने आप को उस लेवल पर ले जाकर डेवलप करने का एक पूरा आप लोग बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी होती है। अब अगर आप लोग अपने लिए कोई छोटा टारगेट चूज कर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को खुद अंडरमाइन कर रहे हैं। तो कभी भी अपने अपने सामने आप लोग अपना टारगेट छोटा नहीं रखना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। और जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ज्यादा आप लोगों के अंदर से एनर्जी निकल के आएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी उतने ही इफेक्टिवली आप लोग अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएंगे। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, छोटा सा टारगेट बनकर बस लाइफ को जीना है वैसे ही काटना है, या फिर अपनी लाइफ को शानदार तरीके से इंजॉय करना है। तो इस तरीके से आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखते हैं आर्टिकल, ये शानदार आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। आज की डेट में कुछ ऐसी कंडीशन बनती हुई जा रही है जैसी कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुआ करती थी। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या क्या कुछ ऐसी ट्रीटी थी जिसकी वजह से चीजें रुकी हुई थी, और वो ट्रीटी आज की डेट में खत्म होती जा रही है, और किस तरीके सिचुएशन आने वाले टाइम में और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो काफी शानदार आर्टिकल है, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बजट के बाद में जो हमारी इकोनॉमी की खस्ता हालत हुई उसको सुधारने के लिए यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर मीडिया के सामने आई और उनके द्वारा काफी सारे चेंज सजेस्ट किए गए। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहां पर विजिट पर हैं अभी फॉरेन कंट्री की, तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कमेंट किया गया, तो G7 की मीटिंग में यहां पर साइड बाय में मिल सकते हैं, और क्या क्या चीजें यहां पर कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। चाइना की एक सिटी के बारे में यहां पर ये चाइना के एम्बेसडर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को आइडिया रहे कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। केरला के अंदर आप लोगों को पता है बहुत ही ह्यूज बाढ़ देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। तो वैसे ग्राउंड जीरो होता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, यहाँ पर ये ज्यादा फोकस दे देते हैं कि हाँ उस लोकेशन पर ही हो रहा है, पर लेकिन मैं आप लोगों को मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में कि क्या बेसिक कंडीशन है। देखिए, केरला में जो बाढ़ हुई, तो केरला आप लोग पहले लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो केरला की लोकेशन यहाँ पर है। ये हमारी कंट्री का वेस्टर्न घाट है और ये आप लोग को ईस्टर्न घाट नजर आएगा। बेसिकली आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये वाला हो गया यहाँ पर हमारा फिजिकल मैप और ये वाला हो गया पॉलिटिकल मैप। तो ये हो गया आप लोगों का ईस्टर्न घाट। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं, ईस्टर्न घाट है, कौन सा ज्यादा कंटिन्यूअस है। तो वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस है, यानी कि यहां पर ज्यादा हरे भरे जंगल पाए जाते हैं, यहां पर बीच बीच में ब्रेक आप लोगों को देखने को मिल जाता है ईस्टर्न घाट के अंदर में। पर लेकिन वेस्टर्न घाट की अगर बात माने, अगर हम लोग इसको किसी ऐसे एरिया के साथ में कंपेयर करें, जैसे आप लोग बात करें यूएई के साथ में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहां पर उसके साथ में कंपेयर करके हम लोग यहां पर डेवलपमेंट करने लगे तो वो सही तरीका यहां पर नहीं है। यहां की जो इकोलॉजी, यहां का एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां का बिल्कुल डिफरेंट है, यहां की मिट्टी डिफरेंट है, वहां की मिट्टी डिफरेंट है। पर लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन पास्ट में देखने को मिली कि यहां पर कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरिया है, आप जो कि दो कमिटी सेटअप की गई थी, एक तो गडगिल कमिटी और एक और कमिटी का नाम आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ये ईस्टर्न घाट को फोकस रखकर ही यहां पर ये सेटअप की गई थी, ताकि इसके बारे में बताया जा सके कि आप लोग को ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये बर्बाद नहीं करना है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पर लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से यहां पर ये एरिया काफी बर्बाद होता जा रहा है, और चेतावनी यहां पर दी भी गई थी, पर लेकिन किसी ने सुनी नहीं, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पास्ट ईयर में अगर आप लोग देखेंगे, केरला में काफी ह्यूज बाढ़ देखने को मिल रही है, और बाढ़ अपनी जगह लैंडस्लाइड की वजह से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। रीजन क्या है? देखिए, जब आप लोग जमीन के नीचे से खनिज लवण निकालेंगे, कोयला वगैरह, आयरन ओर वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जमीन है वो खोखली हो जाती है। उसके बाद में जब भी पानी बरसता है, कोई कंडीशन पड़ती है, तो वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है, यानी कि मिट्टी फिसलने लगती है। उसकी वजह से आसपास वाले एरिया के कई सारे जो लोग हैं वो उसके नीचे दबकर मर जाते हैं जब भी पानी बरसता है अच्छे खासा। और ये कब स्टार्ट होता है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है मॉनसून के पीरियड में। ठीक है, जिस तरीके से मॉनसून के पीरियड की हम लोगों ने बात की थी मॉर्निंग की वीडियो में, क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किया था, मॉनसून का जो पीरियड होता है हमारी कंट्री में, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, केरला के अंदर तो जून के अंदर ये एंट्री कर लेता है, और इस तरीके से यहां पर ह्यूज बारिश आप लोगों को नजर आती है। तो वो जो बारिश नजर आती है उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम निकलती है। एक तो देखिए, साउथ इंडिया में जो आप लोगों को रिवर है,
वो आप लोगों को ऐसी रिवर देखने को मिलेगी जो कि सीजनल रिवर है, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में मॉनसून एंटर करता है उस तरीके से वो जो रिवर है उनमें पानी हो जाता है और वो रिवर बहने लगती हैं। वो एवरग्रीन रिवर नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया की रिवर है। नॉर्थ इंडिया की रिवर हमारी एवरग्रीन रिवर है, यहां से ग्लेशियर पिघलता है, पानी पिघलता है और उस टाइम पर यह रिवर निकल कर आती है, जैसे आप लोग गंगा जैसी रिवर देख सकते हैं, वो इसीलिए एवरग्रीन रिवर है। पर साउथ इंडिया की जो रिवर है ये आप लोगों को मैक्सिमम ऐसी रिवर नजर आएंगी जो कि मौसम के चेंज होने पर यहां पर इनके अंदर जो पानी का लेवल है वो चेंज होता है, तो उस टाइम पे सिचुएशन बदलती है। तो अब देखिए, अगर आप लोगों को पता है कि 4 महीने यहां पर बारिश होनी है और 4 महीने एक दबा के बारिश होनी है, ह्यूज बारिश होनी है, तो उस टाइम पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको टैकल कैसे करना है। उस टाइम पर मान लीजिए जो बांध है, जो डैम है, उनके अंदर पानी आप लोग खाली कर देना चाहिए, खासकर सिंचाई के लिए जैसे भी आप लोगों को पानी निकालना चाहिए, ताकि अगर पानी बरसे तो फिर उस डैम में पानी को स्टोर किया जा सके। पर लेकिन यह भी कई बार यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही देखने को मिलती है। क्या करते हैं, डैम के अंदर जो पानी रहता है वो पानी पहले से इतना ज्यादा रहता है, जब बारिश होती है तो फिर वो भरने लगता है और डैम टूट ना जाए, उसको कोई प्रॉब्लम फेस करे, वो जो एक आप लोग बोल सकते हैं अलार्म रीजन से ज्यादा पानी भर जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डैम को फिर खोल देते हैं और उसकी वजह से आसपास वाले एरिया में बाढ़ आ जाती है। तो एक तो ये काफी बड़ी कंडीशन आप लोगों के सामने नजर आती है। दूसरी बात जो बोली जाती है, केरला के अंदर देखिए जो लोग हैं ना, काफी लार्ज स्केल पर यूएई, सऊदी अरेबिया, इस तरीके की एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा पैसे यहाँ पर लोगों के पास में आजकल में नॉर्मल राज्य के जो हमारे कंट्री में आप लोग कंपेयर करेंगे देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट भी इतना ही ज्यादा होता है यहाँ पर। आज की डेट में डेवलपमेंट बहुत ह्यूज स्केल पर हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, हर एक इंसान को सी फेसिंग आज के डेट में अपना विला चाहिए या फिर अपना जो मकान चाहिए, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। और लेकिन जो इकोलॉजी को ध्यान में न रखते हुए डेवलपमेंट किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर जाता है कि जिसकी वजह से एक कंडीशन सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहां पर नेचुरल जो डिजास्टर है वो कम है यहां पर, मैनमेड जो डिजास्टर है वो ज्यादा है, यानी कि इंसानों के द्वारा या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण जो यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है केरला के अंदर वो ज्यादा है। तो ये पूरा एक बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में जो सेंसिटिव है लोग उनको सोचना पड़ेगा। खासकर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, करने वाले काम कर निकल जाते हैं पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है यहां पर जो गांव में पर्टिकुलर एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास में तो इतना पैसा होता नहीं है, वो तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते नहीं है, और गरीब लोग खासकर जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो तो हमेशा उसको सेव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके लिए वो घर है एक तरीके से, उनका उनकी रोजी रोटी है। पर लेकिन जो बिजनेस आएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, वो उसके लिए रोजी रोटी नहीं है, उसके लिए बिजनेस, उसके लिए एक तरीके से वो क्या है, बिजनेस है, उसके लिए व्यापार है, प्रॉफिट का धंधा है, तो वो इस तरीके से वहां पर उसको फोकस देकर चलता है। तो ये सारी सिचुएशन यहां पर आज के में निकल कर आ रही है, जिस तरीके से हम लोग इकोलॉजी के अंदर एनवायरमेंट के अंदर अपना इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो सही तरीका यहां पर नहीं है, तो इसको हम लोगों को सोचकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यहां पर ये क्वेश्चन है और आप लोग इसे एसे यानी कि निबंध के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये टॉपिक आज के दिन बनता जा रहा है। हमारी कंट्री में भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का नाम आप लोगों ने सुना और यहां पर भी ये फंडा यहां पर निकल कर आ रहा है। बेसिकली आज के डेट में अगर यूएसए और यूएसएसआर की बात, जिसके आज के डेट में रशिया आप लोग बोलते हैं, देखिए होता क्या जा रहा है, आज के डेट में न्यू न्यूक्लियर आर्म रेस देखने को मिल रही है, यहां पर जस्ट बिगन, यानी कि स्टार्ट होती नजर आ रही है। कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर को लेकर अपनी एक तरीके से बिना एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाए हुए कमेंट कर देता है। पहले उस टाइम पर कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में अगर आप लोग जाएंगे तो एक क्या हुआ करता था, बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक साइड में यूएसए और दूसरी साइड में यूएसएसआर, जिसको आज के डेट में आप लोग रशिया बोलते हैं। बहुत सारी कंट्री टूटकर निकल गई 1991 में। तो आज की डेट में यहां पर जो सिचुएशन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो किस तरीके से ये आने वाले टाइम में एज ए एक नई रेस वॉर यहां पर हो सकती है और क्या कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग एज ए निमत के तौर पर अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग 1200 शब्द में लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि सैटरडे संडे में आप लोगों के पास में टाइम मिल जाएगा तो आप लोग इसको उस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि क्या एक नई कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एक यहां पर दो वर्ल्ड नहीं मिलेंगे, यहां पर आप लोगों को बहुत सारी और भी दुनियादारी देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो आइए नजर डालते हैं यहां पर आर्टिकल्स के ऊपर। बोला जा रहा है आज की डेट में कई सारे ऐसे कंसेंसस है, कई सारी ऐसी ट्रीटी है जो कि यूएसए और यूएसएसआर के ड्यूरेशन, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी ये कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। सबसे पहले तो आप लोगों को कोल्ड वॉर बता दूं, कोल्ड वॉर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जैसे सबसे आप लोग देख रहे हैं कोल्ड है पर लेकिन वॉर भी चल रहा है, यानी कि एक तरीके से आमने सामने ग्राउंड में खड़े होकर दो इंसान नहीं लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे अगर इंसानों की बात करें, ठीक है, जैसे इसने क्या किया, ये ए इंसान हो गया, ये बी इंसान हो गया, एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर नहीं खड़े हुए हैं। इसने क्या किया, इसके घर का बिजली का कनेक्शन कर दिया, इसने क्या किया, इसके घर का पानी का पाइप तोड़ दिया, इसने क्या किया, अपने घर में कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आ गया, कोई बड़ी गाड़ी लेकर आ गया, इसने क्या किया, इसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है
इसने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करी, इसने दबाकर उससे भी ज्यादा धूमधाम से करी। तो कहने का मतलब यहां पर यह दिखावटी एक तरीके से एक दूसरे को यह दिखाना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, पर लेकिन ग्राउंड में नहीं लड़ रहे हैं, पर लेकिन एक दूसरे को काटने पीटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो ये हो गया कोल्ड वार, आमने सामने पत्थर नहीं फेंक रहे, चाटे नहीं मार रहे, एक दूसरे को लाठी से नहीं पीट रहे हैं, पर लेकिन बैकग्राउंड में यहां पर एक तरीके की वॉर चल रही है, चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से एक दूसरे को लेकर। तो ये कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, और कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन यहां पर स्टार्ट हुआ, लंबे समय तक यह चलता रहा, क्योंकि दो वर्ल्ड वार आप लोगों को देखने को मिली, वर्ल्ड वार फर्स्ट यहां पर थी और वर्ल्ड वार सेकंड यहां पर थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट देखिए, पहले इसको वर्ल्ड वार बोला जाता था क्योंकि इससे आगे कुछ था ही नहीं, पर लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर यहां पर हो गई तो इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। तो देखिए, दो ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी झेल चुके थे यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि आने वाले टाइम में और तीसरी वर्ल्ड वॉर के लिए यहां पर अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे, कि सिचुएशन जो है वो ऐसी हो जाएगी कि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनी, क्या क्या सिचुएशन बनी। तो ये पूरा एक आप लोग आइडिया रखेगा कि ये इस तरीके से कोल्ड वॉर चल रही थी। पर लेकिन 1991 में क्या हुआ, 1991 में आकर यूएसएसआर का विघटन हो गया और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री उसमें से बाहर निकल गई। तो उसके चलते कंडीशन क्या बनी, कंडीशन यहां पर ये बन गई सीधी सीधी कि अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी कि यूएसए एक इलेक्ट्रॉनिकली मिलिट्री और इसी तरीके से इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री निकल कर आया, जो कि अपने आप को एज ए एक लोता इस संसार का अपने आप को पिता महा समझने लगा कि हाँ मेरे कंट्रोल में अब सब कुछ है। और ऐसा हुआ भी काफी हद तक, जहां मन करता था वहां पर जाकर घुस जाता था। आप लोग देखते अगर कंडीशन आप लोग देखेंगे इराक के अंदर जो कंडीशन बनी, इसी के साथ में आज के दिन में अफगानिस्तान की सिचुएशन आप लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने अपना दबदबा ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, तो काफी कुछ कंडीशन बनी। पर लेकिन जो ये कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था जो आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, इसके बारे में यहां पर पहले बात करते हैं। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कई सारी ट्रीटी इनके द्वारा साइन की गई, वो ट्रीटी आज की डेट में एक्सपायर हो रही है और कई सारी एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि जो इनके ऊपर उस टाइम पर कंट्रोल थे कि आप लोगों को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं, वो सारी हरकतें नहीं करनी है, वो अब उस कंट्रोल से बाहर निकलते आ रहे हैं और फिर से एक नई रेस यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। तो उसी के चलते बोला जा रहा है यूएसए और जो यूएसएसआर जो रशिया आज के में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली यहां पर बाहर निकले, कौन कौन, डोनाल्ड ट्रंप भी और यहां पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी। बाहर कैसे निकलते हैं, ट्रीटी से बाहर ऐसे निकलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यूएसए बोलता है रशिया को कि तूने उस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया और तुमने बैकग्राउंड में जाकर ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। रशिया बोलता है कि तुमने भी उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तुमने भी उसको फॉलो नहीं किया। तो जब कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा तो फिर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भैया जब फॉलो ही नहीं करे तो फिर फालतू में क्यों यहां पर हम लोग अपने ऊपर प्रतिबंध लगाकर बैठे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग बात पता है आप लोगों यहां पर जो देखने को मिलती है वो ये है, उस टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर हुआ करता था, आज के डेट में यूएसए और रशिया है, दो यूएसए और जो रशिया है वो दो कंट्री है, पर लेकिन आज के डेट में इनको टक्कर देने वाला तीसरी कंट्री आ गया चाइना। तो देखिए रशिया का तो कहीं ना कहीं पार्टनर है चाइना, पर लेकिन यूएसए के अपोजिट में है। तो देखिए अगर यूएसए रशिया के साथ में किसी ट्रीटी में रहता है यहां पर बंधा हुआ, तो चाइना पावरफुल बन रहा है, चाइना के ऊपर तो कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है। तो यूएसए इसलिए भी आज के डेट में कई सारी ट्रीटी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि चाइना को टैकल किया जाएगा, चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर उसको ट्रीटी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी हरकतें यहां पर यूएसए के द्वारा की जा रही है, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में है यहां पर। तो यूएसए के द्वारा भी रिसेंटली यहां पर क्विट किया गया, जो कंक्लूड की गई थी 1987 की जो ट्रीटी थी, इसमें बेसिकली ये फंडा था कि एलिमिनेट करना है और ग्राउंड बेस जो मिसाइल है जिनकी रेंज 500 से लेकर यहां पर 5500 किलोमीटर तक है, यानी कि स्मॉल एंड द इंटरमीडिएट रेंज की जो मिसाइल है वो यहां पर ये इसको बेसिकली खत्म करने की बात की गई थी। आइए इस ट्रीटी के बारे में एक बार नजर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को आर्टिकल में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी की, जिसको INF ट्रीटी भी बोला जाता था फॉर्मली। तो यूएसए और यूएसएसआर जिसको आप लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया कि काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो 1987 में आर्म कंट्रोल यानी कि एक आर्म की रेस में ये न रहे, तो इनके द्वारा यहां पर ये ट्रीटी साइन की गई। तो यूएसए के जो यहां पर प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, इनके द्वारा, और इसी के साथ में दोनों पर्सनैलिटी के नाम याद रखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है ये ट्रीटी। तो वॉशिंगटन डीसी में ये साइन की गई, प्रेसिडेंट यहां पर थे रोनाल्ड रेगन और जनरल सेक्रेटरी थे मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि किसके थे, ये यूएसएसआर के यहां पर जनरल सेक्रेटरी थे, इनके बीच में ये साइन की गई और ये साइन की गई 1987 में, ठीक है। देखिए यहां पर ये सारी डेट आप लोग के लिए अलग अलग है, यहां पर साइन की गई 1987 में, फिर इसके द्वारा इफेक्टिव की गई यहां पर 1988 में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहां पर यूएसए जो बाहर निकला, इससे यूनाइटेड स्टेट 1 फरवरी को बाहर निकला और जो रशिया बाहर निकला वो 2 फरवरी को बाहर निकला, इनके 2 फरवरी को, यानी कि यूएसए पहले बाहर निकला, रशिया बाद में बाहर निकला, ओके। इसी के साथ में जो सिग्नेटरी थे वो दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को बता ही दिए, एक के प्रेसिडेंट और एक के सेक्रेटरी ये थे। अभी जो बाहर निकले वो कौन-कौन निकले, डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकला है और इधर यहां पर
वाल्दमार पुतिन ने बहाल निकाला है। अब इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कितना भी ये इस तरीके की जो मिसाइल बना सकते हैं, जो भी बताया था ना यहाँ पर 500 से लेकर 1000 किलोमीटर या फिर 1000 से लेकर ये 5500 किलोमीटर, तो दोनों याद रखिएगा, ये शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइल थी और यहाँ पर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल थी, इनको यहाँ पर खत्म करने की बात की गई थी। और ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं था, इंपैक्ट भी काफी अच्छा देखने को मिला इस ड्यूरेशन में, यहाँ पर खत्म भी हुई काफी लार्ज स्केल पर। और क्वेश्चन वाली वीडियो में देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है जैसे मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि ये किसके ऊपर इंप्लीमेंट हुई, ये यहां पर जो लैंड वाली मिसाइल थी ना उसके ऊपर इंप्लीमेंट की गई, ना तो एयर के ऊपर इंप्लीमेंट की गई ना ही सी के ऊपर इंप्लीमेंट की गई, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आर्मी के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो पिछले ड्यूरेशन में 10 साल के अंदर लगभग अगर देखा जाए काफी लार्ज स्केल पर एलिमिनेट किया गया अलग अलग तरीके से मिसाइल्स वगैरह को दोनों कंट्री के द्वारा, पर लेकिन ये सस्पेंड कर दी गई जो ट्रीटी थी 2019 में 1 फरवरी को, और यहां पर फिर वाल्दमार पुतिन भी 2 फरवरी को बाहर निकल गए। तो ये एक तरीके से खाका इस पूरी ट्रीटी का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों के माइंड में, इस ट्रीटी को लेकर ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए अब आर्टिकल के बारे में नजर डालते हैं। आर्टिकल में जो जो बातें बोली जा रही हैं, अभी यहां पर एक और ट्रीटी है जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी बोला जा रहा है, ये 2010 में साइन की गई थी और 2021 में ये भी खत्म होने वाली है। 1987 की ट्रीटी से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं ये लोग, ठीक है ना, 1987 की जो ट्रीटी थी उससे ये ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रीटी है यहां पर जिसको स्टार बोला गया, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2010 की, ये 2021 में एक्सपायर होने वाली है, और 2021 में अगर एक्सपायर हो जाए तो ये बोला जा रहा है कि 5 साल का एक्सटेंशन आप लोग इसको दे सकते हैं, यानी कि 2026 तक आप लोग इसको चला सकते हैं अगर दोनों पार्टी सहमत है तो। पर लेकिन हमारे जो फेवरेट पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके द्वारा ऑलरेडी बोल दिया गया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ये ट्रीटी साइन की गई थी 2010 में, ये ट्रीटी बेकार ट्रीटी है, ये एक नेगोशिएशन अच्छा नेगोशिएशन यहां पर नहीं है, तो उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो इससे बाहर निकलेंगे। तो एक आप लोगों को बता दिया, अभी एक से ट्रीटी से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं और एक से ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है कि आज के में कॉम्पिटिशन रशिया नहीं है, आज के में कॉम्पिटिशन चाइना बन गया और चाइना के ऊपर कोई लगाम नहीं है, तो इसलिए अपने आप को एक कॉम्पिटिशन में रखने के लिए इस तरीके के स्टेप यहां पर यूएसए के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ में जो डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट एस्ले, इनके हिसाब से माने तो देखिए रशिया जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रीटी है उनको फॉलो नहीं करता है, और यहां पर जो स्टैंडर्ड रखे गए खासकर अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है, ये एक ट्रीटी के बारे में आप लोग जान लीजिए, यहां पर इसके बारे में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। एक बार आप लोग देखिए, वन सेकेंड, यहां पर आप लोग देखिए, यह है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जिसको सीटीबीटी बोलते हैं। सीटीबीटी ट्रीटी यहां पर ये जो पिक्चर में आई, ये यूएन जनरल असेंबली के थ्रू यहां पर पिक्चर में आई 10 दिसंबर 1996 में। बेसिक पर्पज क्या था कि न्यूक्लियर वेपन को कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह रशिया के द्वारा यह साइन भी की गई है और रशिया के द्वारा ये रेटिफाई भी की गई है। साइन तो देखिए सब कर देते हैं, पर लेकिन पार्लियामेंट में रेटिफाई कराना यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। पर लेकिन अगर बात माने 8 कंट्री यहां पर लगभग आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जो कि यहां पर आज के डेट में इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्री कौन सी, यहां पर एक हो गया चाइना, 2 3 4 5 6 7 8, तो इंपोर्टेंट क्या है, यहां पर इंडिया भी है, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और यूएसए। देखो रसिया ने इसको साइन कर रखा है, रसिया इसको फॉलो करके चलने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन यूएसए ने साइन भी नहीं कर रखा, रेटिफाई नहीं कर रखा है। अब देखिए जब इतना होता है अपने ऊपर तो लगाम लगा लिया रसिया ने, पर लेकिन जब यूएसए फॉलो नहीं कर रहा तो हो सकता है कि एक दो टेस्ट कर ले, तो यूएस तो रसिया क्या बोलता है कि वो साइन तो कर रखा है पर लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है, अपने गिरेबान में नहीं झाग रहा है, तुमने यहां पर इसको रेटिफाई नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से ये ट्रीटी आज के में पिक्चर में नहीं है, क्योंकि चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है, ईरान भी कभी कभी बोल देता है, नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, इसराइल इसराइल को माना जाता है कि गुफ्त है पर लेकिन उसके पास में भी है, और यूएसए के पास में भंडार है, पाकिस्तान के पास में भी है। तो फिर जो मेन मेन कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो फिर क्यों यहां पर इसका क्या मतलब रह गया। तो इस तरीके से रशिया जो है वो कभी कभी ताव में आकर एक दो एक्सपेरिमेंट कर देता है, तो यूएसए उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि साइन कर रखा है पर लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा है सीटीबीटी, पर लेकिन खुद ने भाई साहब ने ना तो इसको साइन करा, ना तो इसको सिग्नेटरी है और ना ही यहां पर एक तरीके से इसको रेटिफाई किया है, यानी कि यूएसए के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है सीटीबीटी को लेकर। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो स्टेटमेंट जो है एक तरीके से अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो खुद के ही गृहमान में झांकने की बात किस कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो कंडीशन है इसकी वजह से एक नई आर्म रेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, हर एक कंट्री अपने आप को सेव करने की कोशिश करती है। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में 3 इनके द्वारा स्टेप उठाए गए,
चीजों को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहां पर ये स्टार एग्रीमेंट था 1991 का, जिसके तहत यहां पर काफी कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि हाँ इतने सारे वेपन हम लोग कंट्रोल करने हैं। डेटा याद नहीं रखना है, बस ये डेट याद रखिएगा किस टाइम पर यहां पर ये ट्रीटी थी। फिर आगे निकल कर आई INF ट्रीटी, तो INF ट्रीटी जो थी यहां पर ये निकल कर आई 1987 में, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का भी कंसर्न था यहां पर, क्योंकि देखिए ऐसा कहते हैं कि हर एक इंसान का टाइम ना हर टाइम नहीं रहता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आप लोग देखते हैं आज के दिन उनका टाइम चल रहा है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है इस इंसान के बारे में, जो बोलता है वो करता है ये बंदा, ठीक है ना। भले ही वो गलत क्यों ना हो, जो जो इसने वादा किया अपनी जनता से वो वादा पूरा करा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ये काफी अच्छी बात बोल सकते हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर देखें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी कहीं ना कहीं अगर पहले के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे, पहली जो गवर्नमेंट थी उनके कंपेयर में देखेंगे, तो उनका भी कहीं ना कुछ ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यानी कि चीजों को काफी हद तक, ये नहीं बोलूंगा कि 100% कर दे रहे हैं, पर लेकिन काफी हद तक उनके द्वारा भी अभी जो है कई सारे जो अपने वादे हैं वो पूरे किए गए हैं। वो अलग बात है कि किस तरीके से किए गए, पर लेकिन वो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए कि वन रैक वन पेंशन वाली बात की जा रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की गई है, तो एक पॉजिटिव चीज आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, यानी कि चेंज यहां पर निकल कर आ रहा है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग इसको। तो यहां पर ये जो इससे बाहर निकल कर आगे चलिए, एक ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, पर लेकिन यहां पर क्या था, ये बायलेटरल इशू था, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यूएसए और यूएसआर के बीच में चीजें चल रही थी उस टाइम पर, सही है, यूएसए एक पावरफुल कंट्री था उस टाइम पर, सही है, पर लेकिन आज के में चाइना उभर कर आ रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। थर्ड जो बात यहां पर स्टार्ट हुई इसको कंट्रोल करने के लिए था यूएस स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये तो ये कभी पिक्चर में ही नहीं आ पाया ढंग से प्रॉपर वे में, जो कि यहां पर इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए था। तो ये कई सारी ऐसी बार बार बातें हुई कि हम लोग को चीजों को कंट्रोल करना है, पर लेकिन कई बार यहां पर चीजों को कंट्रोल कर नहीं पाए ये लोग। अगर बात करें यहां पर कोल्ड वॉर के बाद की, कोल्ड वॉर की यहां पर ब्रेकअप हुआ यूएसआर की, अगर यूएसआर की बात करें आप लोग यहां पर 1991 में इसका विघटन हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री यहां पर बन गई। तो उस टाइम पर एक पावरफुल इकलौता दादा, या आप लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर एरिया की दादागिरी करने वाला यूएसए बच गए यहां पर, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी और यहां पर सब में ये आगे था उस टाइम पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था कुछ टाइम के लिए, पर लेकिन उस टाइम पर साइड साइड में कहीं ना कहीं पनप रहा था चाइना, और वो अपना कछुए की चाल पर चलते चलते अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर लाकर रख दिया कि आज की डेट में वो टक्कर दे रहा है यूएसए को। फॉर्मर जो भी यहां पर सोवियत अलाय थे वो आज की डेट में कई सारे मेंबर नेटो के मेंबर बन गए, जिसमें यूएसए का दबदबा है, यानी कि मिलकर काम कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी कई सारे बन गए आज के में, जो यूरोपियन यूनियन 28 मेंबर की कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एक अलग ढांचा तैयार हो गया, कुछ ऐसे जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, और आगे चलकर कुछ ऐसे दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। इसी तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूएसए की अगर बात करें यहां पर, उसने विड्रॉ करें यहां पर ABM, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ABM क्या है यहां पर, यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये जो थी ट्रीटी यहां पर 2001 में पिक्चर में आई, तो ये यहां पर अभी 2001 में यहां पर ये अभी देखिए होता क्या है, जब जब यहां पर चीजें लगती है ना कि सामने वाले को हाँ कि हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो पहले देखते हैं हिस्ट्री में जाकर कौन सी ट्रीटी है। अगर लग रहा है कि ट्रीटी उनके पांव बांध रही है, तो फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं दूसरी कंट्री को लेकर रेफरेंस में कि वो कंट्री ऐसी हरकतें कर रही है, और फिर अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ किया गया था यहां पर 2001 में, जो 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ये ट्रीटी थी, इससे बाहर निकल गया। और अभी मैंने बताया मेन फंडा क्या था यहां पर, ये था चाइना। चाइना का दबदबा बढ़ रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में, चाइना एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पावर हाउस आज के टाइम बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो यूएसए का जो हेजेमनी था, यूएसए की जो दादागिरी थी, उसको रिप्लेस, उसको टक्कर दे रहा है चाइना। तो इसलिए यहां पर सोचने को मजबूर कर दिया गया यूएसए को। तो न्यू आर्म रेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक टाइम पर यूएसए और यूएसआर हुआ करता था, आज के टाइम में इंडिया भी बोल रहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वो कोई परमानेंट नहीं है कि फॉलो करके चलेगा। तो इससे क्या होता है, आसपास वाली जो पड़ोसी कंट्री है वो भी एक आर्म रेस में लग जाएगी, कल को हो सकता है हमारे ऊपर कोई अटैक करे और हमारा अस्तित्व खत्म कर दे, हमको नस्ते नाबूद कर दे, तो हमको भी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। तो फिर से एक कोल्ड वॉर ड्यूरेशन का, जो उस टाइम पर बाइपोलर था, आज के में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। तो कैसे इसको कैसे टैकल करेंगे, नई पोलर में साइबर थ्रेट आप लोग देखते हैं, स्पेस में डोमिनेशन की बात की जा रही है, इसी के साथ में अलग अलग टेंशन यहां पर निकल कर आ रही है, बहुत सारे अलग रिस्क निकल कर आ रहे हैं अगर पहले के कंपेयर में आप लोग इसको देखते हैं। तो आज की डेट का जो सिचुएशन है वो आज के डेट में मोर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है पहले कंपेयर में। अब आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। अगर हर एक कंट्री बस अपने ऊपर फोकस देकर चलेगी कि हाँ बाहर दूसरी कंट्री के बारे में नहीं सोचना है, तो दूसरी कंट्री को डर लगेगा कि यार ये तो ताकतवर कंट्री है, हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है कभी भी। तो इस तरीके से आप लोग पहले जिन कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनको एक तरीके से एहसास दिलाओ कि हम लोग कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे, तभी जाकर सिचुएशन कंफर्टेबल लगेगी। तो ये राकेश सूद जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, और करेंटली यहां पर जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, ये काफी अच्छे आर्टिकल जिसके आते हैं इसमें, यहां पर आज के में ये इसमें भी यहां पर ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कमेंट किए जा रहे थे वो कमेंट अब थोड़े थोड़े सस्ते यानी कि ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। आइए नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विजिट पर हैं अभी, यहाँ पर G7 की मीटिंग में उसको स्पेशली उनको इन्वाइट किया गया मोदी जी को, तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए हमारी साख बढ़ रही है कहीं ना कहीं पर, लेकिन इसको साख को हम लोग को हैंडल भी करना है क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा कई बार ऐसे कमेंट किए गए स्टार्टिंग से ही कि हाँ ये है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कि हाँ मैं मीडिएशन का काम कर सकता हूँ, मोदी जी ने ऐसा बोल दिया जबकि मोदी जी के द्वारा ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया, तो ये गलत तरीका था जिस तरीके से उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई। यहाँ पर अगर दो लीडर की बात करें तो बायलेटरल कई सारे एजेंडे हैं हमारे खुद के, आप लोग देखते हैं आज के में इंडिया और यूएसए के कई सारे एरिया में हमारा कोऑपरेशन है काफी अच्छा, पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम भी है। जैसे आप लोग देखते हैं S-400 सिस्टम जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, यूएसए चाहता है हम लोग रशिया से इसको न खरीदें, हम लोग यूएसए से खरीदें। इसी के साथ में यूएस तालिबान के बारे में अगर बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया था यूएसए ने बड़ा ही शानदार कमेंट किया, वो पता है क्या बोल रहा है, यूएसए ये बोल रहा है कि हम लोग जो है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में लड़ना स्टार्ट कर दें चीजों को कंट्रोल करने के लिए, वो आईएसए लड़ना स्टार्ट कर दें यानी कि इस्लामिक स्टेट से, यानी कि अपना सर ओखली में दे ले जाकर पिछले 18-20 सालों में तुमने तो कुछ किया नहीं है उनका, अब हमको वहां पर अटका के चले जाओ तुम निकल लेना वहां पर। तो देखिए ये अपने आप को चलाक समझ रहे हैं, तो ऐसी ऐसी हरकतें पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इन्होंने बोला था जब स्टार्टिंग में अफगानिस्तान के लिए एक बिल्कुल खाका तैयार करके लेके आए थे बिग पॉलिसी का, उसमें बोला था कि इंडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपनी आर्मीज को भी यहां पर भेजना चाहिए, तो ऐसी बातें कई बार बोल चुके हैं, चलिए वो अपनी जगह पर, लेकिन आप लोग इसके बारे में सुनिए। तो अभी रिसेंटली यहां पर तीन बार रिसेंट कमेंट इनके द्वारा कहे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन कर सकते हैं, उनको बातें करनी चाहिए, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मीडिएशन जरूर करूंगा। तो ट्रंप की सारी जो बातें थी वो हमारी कंट्री के द्वारा एक सिरे से खारिज कर दी गई कि मीडिएशन का कोई चक्कर ही नहीं है यहां पर, हम अपना मुद्दा अपने आप सुलझा लेंगे, तुम पहले अपने जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लो। हम इंडिया और कश्मीर की जो प्रॉब्लम है ना, देखिए कई बार इसको रिलीजियस प्रॉब्लम भी बोला जाता है, यानी कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पाकिस्तान को बोला जाता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है तो ये पाकिस्तान का एरिया होना चाहिए, पर लेकिन अगर ढंग से आप लोग देखेंगे 1971 की जो हमारी कंट्री में जो डिवीजन हुआ उसके बाद में यहां पर एक आइडिया बन गया कि हाँ ये आइडिया है पाकिस्तान का, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, आइडिया बन गया है इंडिया का ये एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी कंट्री की उनको ये फील हुआ कि हम लोग इंडिया में रहेंगे, इंडिया में हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी हमारी कंट्री में है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आज के में हमारी कंट्री कोई हिंदू कंट्री नहीं बोल सकते, आज के में आप लोग कोई ऐसी कंट्री नहीं बोल सकती पर्टिकुलर रिलीजन की कंट्री है, हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री आज के में बन चुकी है जो कि मिक्स यहां पर हर एक इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग रिलीजन का, तो एक तरीके से तो ये आप लोग बोल सकते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अगर कहीं पर देखनी है तो आंख बंद करके इंडिया में आ जाओ। तो ये कंट्री ऐसी बन चुकी है आज के में, हर एक रिलीजन हर एक कास्ट हर एक रीजन के लोग मिलजुल कर यहां पर रह रहे हैं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं वो एक हर जगह है, वो तो घर में दो बर्तन होते हैं तो खड़कती हैं वो अपनी जगह, पर लेकिन सब शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान में जाओगे, आप लोग दूसरी कंट्री में जाओगे, वहां पर खुद की ही कम्युनिटी के साथ में लड़ रहे हैं, ISY की बात करें, IS की बात करें, आप लोग तालिबान की बात करें, ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी बोलते हैं अपने आपको, रिलीजन के नाम पर कितने सारे लोगों को ये मार रहे हैं, तो पर एक अलग फंडा है। तो अगर आप लोग रिलीजियसली इस प्रॉब्लम को देखकर चलेंगे तो एक तरीके से आप लोग इसको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए रियलिटी में अगर आप लोग चाहेंगे ना कश्मीर से पूछना, भले ही वो प्रॉब्लम फेस करें पर लेकिन पाकिस्तान के साथ में कोई जाना नहीं चाहेगा, भले ही वो एक बार को ये बोले हमको छोड़ दो भैया हम अपने आप जिंदगी जी लेंगे, पर वो ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान के साथ में हम लोग को जाना है, क्योंकि उनको भी सिचुएशन पता है। हमारी कंट्री क्या कोशिश कर रहे हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ये कोशिश करी कि डेवलपमेंट वगैरह लाए जाए वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अब तक अगर पॉलिटिशियन भी देखें ना वहां पर पॉलिटिशियन ने भी अपनी रोटी सेकी अब तक कश्मीर के ऊपर, वरना इतने लंबे समय से चल रही थी, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा था, एक ह्यूज मनी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पर लेकिन कोई डेवलपमेंट देखने को मिलता है, स्कूल वगैरह ढंग से नहीं है, अस्पताल ढंग से नहीं है, और सारी फैसिलिटीज आप लोगों को ढंग से अवेलेबल नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, इंटरनेट बार बार बंद हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मेल भी करते हैं कि सर कई बार वीडियो नहीं देख पाते हैं, प्रॉब्लम रहती है जो पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रह पाती है, तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर बार बार देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन यहां पर है। पर फिर भी आज की डेट में भी ये हमारा पार्ट है और अच्छे से हम लोग इसको मैनेज कर चल रहे हैं, पाकिस्तान को भी यहां पर इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, पाक ऑक्युपाइड एरिया के बारे में आगे बात होगी, तो देखते हैं आगे क्या कमेंट किए जाते हैं और G7 की मीटिंग से क्या सॉल्यूशन यहां पर निकलकर आता है। ओके, तो ये था आर्टिकल, आइए अब आगे चलते हैं। ये वैसे तो न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है, पर लेकिन यहीं पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्यों, रीजन यहां पर ये है कि क्यों ये आर्टिकल भी इसके बारे में ही लिखा गया है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली बजट प्रस्तुत किया गया, बजट में जो बातें बोली गई थी वो कुछ ऐसी बातें थी कि जो एक्स्ट्रा अमीर आदमी है ना उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो, तो उस टाइम पर भी बात बोली गई थी कि ये सही नहीं कर रहे हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर अलग से यहां पर टैक्स लगाया जा रहा था, इसी तरीके से जो CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो सही, अगर फॉलो नहीं करें तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में ला दिया, ऑलरेडी
ये टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये सीएसआर यहां पर ये फॉलो नहीं कर रहे तो उनको क्रिमिनल एक्टिविटी में ला दिया, उनके ऊपर सिविल केस नहीं चलेगा। तो बहुत सारे ऐसी बातें यहां पर की गई बजट के अंदर। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी कंट्री के अंदर से बहुत सारे लोग जो थे वो इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर चले गए हमारी कंट्री से, और ये खामियाजा अभी भुगतना पड़ गया। तो उसी के चलते निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जो जो भी कंसर्न थे यहां पर ये सारे कंसर्न का सोल्यूशन निकाला। अच्छी बात क्या पर क्या यहां पर ये फीडबैक आ रहा है सामने निकलकर, और फीडबैक को ये इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि जो जो बातें इनको देखने को मिली वो सारी बातों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट इतने अच्छे पॉइंट दे रखे हैं कि आप लोग इनके ऊपर एक आंसर लिख सकते हैं, आप लोग इनके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, इकोनॉमी का अगर कोई पॉइंट आता है कैसे अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना है उसके बारे में आप लोग यहां पर ये सजेशन दे सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यही पॉइंट आगे चलकर आर्टिकल में डिस्कस किए जाएंगे, मैं आप लोगों को पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले जो यहां पर क्या चेंज किया गया है, इंक्रीज जो सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स जो लगाया जा रहा था एफपीआई के ऊपर उसको हटा दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर। सीएसआर जो रिस्पांसिबिलिटी थी यहां पर वो क्रिमिनल एक्टिविटी माना जा रहा था, उसको वहां से हटा दिया गया। पीएसयू को अंदर यहां पर इन्फ्यूज करने की बात की गई 70,000 करोड़, ठीक है, ताकि यहां पर बैंक के पास पैसा रहे, गवर्नमेंट बैंक के पास में, और लोगों को पैसा मिल सके। रेपो रेट के साथ में लोन को यहां पर लिंक करने की बात की जा रही है, रेपो रेट बढ़ेगा तो यहां पर एक तरीके से लोन भी बढ़ेगा, और यहां पर लोन महंगा होगा, रेपो रेट घटेगा तो लोन सस्ता होगा, तो उसको लिंक कर देंगे तो जनता को डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा। एडिशनल 20,000 करोड़ लिक्विडिटी यहां पर जो खासकर जो बेनिफिट बोरोवर को देने की बात की जा रही है, खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, यानी कि जो घर बनाने के लिए फाइनेंस करती है उसको यहां पर फायदा पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ में अगर बात की जाए कार के लिए फी रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टेंस वगैरह होता है उसको कम किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह। देखिए आज के डेट में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्टेड है, तो उसका भी सोल्यूशन यहां से निकाल के लाने की कोशिश की जा रही है। पीएसयू जो भी यहां पर है उनको जो पेमेंट डिले किया जा रहा है वो उनका दिया जाएगा। एंजल टैक्स जो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जहां से वो पैसा लेकर आते हैं उसकी वजह से, तो इसको भी यहां पर जो है विड्रॉ करने की बात की जा रही है। प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जो ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग होती है बैंकिंग के अंदर, ताकि यहां पर डिसीजन ले जा सके, यानी कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं आज की डेट में अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है ना तो ये भी उसका एक डिसीजन है, यानी कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन गया था, जिसकी वजह से मैक्सिमम गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अगर डिसीजन ले लिया कुछ गड़बड़ होगी तो फिर उनका गिरेबान पकड़ा जाएगा, तो इसलिए यहां पर डिसीजन लेना बंद कर दिया। तो डिसीजन लेने वाले ऑनेस्ट जो बैंकर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जीएसटी का जो रिफंड है एमएसएमई को वो यहां पर पेड किया जाएगा विद इन 30 डेज। अनाउंस किया गया जो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो उनके लिए भी यहां पर एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। आईटी सेक्टर के लिए यहां पर फोकस किया जा रहा है, ताकि जो हरासमेंट था यहां पर जो खासकर इनकम टैक्स की साइड से, वो उसको यहां पर कंट्रोल किया जाएगा। कई सारे जो बिजनेसमैन है वो फॉलो कर रहे थे इसको। इसी के साथ में अगर देखने को मिले नए नए जो स्टार्टअप यहां पर निकल कर आ रहे हैं उनको भी ढंग से यहां पर एड्रेस की जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ में यहां पर जो क्रेडिट इन्हेंसमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वो देखने को मिलेगा। टास्क फोर्स की बात की जा रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको ढंग से पाइपलाइन में रखने के लिए। इसी के साथ में मोर क्रेडिट की बात की जा रही है, खासकर जो डिफॉल्ट हो जाते हैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, ताकि मार्केट में एक अच्छी लिक्विडिटी बनी रहे। केवाईसी नॉर्म आसान किए जाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी काम जिसको करना है फॉरेन इन्वेस्टर को वो आसानी से अपना काम कर सके। और इसी के साथ में अनाउंसमेंट करने की बात की जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीक में। तो ये काफी बड़े स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलें तो जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया यहां पर हमारी कंट्री में बजट आने के बाद में, तो फिर से यहां पर उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो एड्रेस क्या किया गया, ये सारी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये सारी बातें यहां पर एड्रेस की जा रही है ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये सारी बातें जो भी बर्डन है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे यहां पर ईज करने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी की डिमांड को भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। 70,000 करोड़ अलग से इन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, रेपो रेट से लिंक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता को डायरेक्ट फायदा यहां पर मिल सके। इसी के साथ में कैपिटल गेन टैक्स को भी यहां पर विड्रो कर रहे हैं, ये एंजल टैक्स को भी यहां पर, और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर निकाल रहे हैं। इसी के साथ में जो बात की जा रही है 60,000 करोड़ यहां पर बेसिकली यहां पर इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है जो डिले हो रहा था एक्सपेंडिचर उसको खर्च करने की कोशिश की जा रही है। और जीएसटी के बारे में जो मैंने अभी बताया 60 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन निकाला जाएगा, और 30 दिन के अंदर जो भी होगा रिफंड वगैरह वो सारी सिचुएशन निकल के आएगी। तो ये सारे सोल्यूशन जो यहां पर इनके द्वारा लाए जा रहे हैं, ये सारे सोल्यूशन सबसे अच्छी बात यहां पर ये बोल रहे हैं कि देखिए आज की डेट में जो यहां पर जो एक तरीके से सूट बूट वाली की जो सरकार बोली गई थी वो पैटर्न जो बोला गया था उसको ध्यान में न रखते हुए साइड में रखकर सबसे पहले जो वेल्थ पर्सन के ऊपर जो फोकस दिया गया था कि उनके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाओ, यानी कि उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाओ, तो ये बोला गया है देखिए आज के डेट में मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है बिजनेस कर रहा है, अगर आप लोग उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो आप लोग उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, वो एक अच्छा काम लेकर चल रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो मुकेश खन्ना जी शक्तिमान ने आने करता, शक्तिमान आप लोगों ने देखा होगा, उनके बारे में छोटी सी एक बात बताता हूं। उन्होंने एक वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो देखी कि शक्तिमान बंद क्यों हो गया। तो शक्तिमान बंद क्यों हो गया उन्होंने उसके बारे में बताया कि देखिए जो यहां पर चैनल पे आप लोग प्रोग्राम लाते हैं ना उसके लिए स्लॉट दिया जाता है आपको, कि ये स्लॉट आप लोगों को मिलता है, अगर यहां पर स्लॉट दे दिया यहां पर तो स्लॉट में मान लीजिए कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं
जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये शक्तिमान काफी अच्छा परफॉर्म किया वहां पर, तो क्या क्या जा रहा था, उस स्लॉट की जो फीस थी वो बढ़ाई जा रही थी। पहले 3.5 लाख थी, फिर बढ़ के वो 7 लाख, फिर 8 लाख, फिर ऐसे करके आगे चल के उसको 16 लाख तक करने की कोशिश की जा रही थी, जो स्लॉट यहाँ पर दिया गया था। तो मुकेश खन्ना जी ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, आपको तो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, खासकर बच्चों में अवेयरनेस भी फैलाता है ये सारी चीजें, और आप लोग है कि एक तरीके से जो बढ़ रहे हैं उसको एक तरीके से आप लोग पिनलाइज कर रहे हैं, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन गलत है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है, जो वेल्थी पर्सन है उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, पर इतना भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि उनका बिजनेस भी डाउन होने लगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, उनकी वजह से जॉब चल रही है, तो लोगों को बहुत सारी लोग जॉब करते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते आप लोगों ने छूट तो दी थी यहाँ पर, यानी कि रेल ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन कितना ज्यादा है, कितने जल्दी यहां पर पिक्चर में आएगा, कितने जल्दी यहां पर जो वेल्थ क्रिएटर हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और कितने जल्दी यहां पर सारी चीजें सेटअप हो पाएंगी, तो उसको देखते हैं। हालांकि स्टेप काफी अच्छे लिए गए हैं, लॉन्ग टर्म में भी अच्छे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, पर लेकिन कितनी जल्दी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ते हैं वो आप लोग यहां पर आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था जिसके ऊपर आप लोग नजर डाल सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर एक बीएसएफ के ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है फॉरनर। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे निकल कर आती है, कई सारे ऐसे केसेस पहले भी आप लोगों को देखने को मिले थे। कैपिटल जो यहाँ पर कैपिटल की जो रैंक है हमारी, दिल्ली की जो रैंक है, नीति आयोग का जो असिस्मेंट वोटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसमें वो सही देखने को नहीं मिली है, काफी नीचे है यहाँ पर। ये जो है इंडेक्स ये तैयार किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंपोजिट वोटर मैनेजमेंट इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया, नीति आयोग के द्वारा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या पानी की पोजिशन है, तो लगभग 13 जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है वहां पर पानी की पोजिशन इंप्रूव हुई है, और गुजरात के द्वारा ये इंडेक्स टॉप किया गया है, ठीक है। ट्रिपल तलाक, जिसमें यहां पर अगर कोई ट्रिपल तलाक बोल देता है तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में रख दिया गया है, बल्कि अगर आप लोग हिंदू या दूसरे रिलीजन की बात करेंगे तो वहां पर एक सिविल वो यहां पर क्रिमिनल माना जाता है, पर यहां पर ये सिविल नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी में रख दिया है, वहां पर सिविल केस माना जाता है। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच रहा है, तो पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया गया कि आखिर क्रिमिनल एक्टिविटी में क्यों रखा गया सिविल मैटर को। तो देखते हैं क्या कोई सोल्यूशन निकल कर आता है, तो बाद में यहां पर पता चलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, आप लोगों को पता है काफी लंबे समय से। तो इनके द्वारा बाल्टिक स्टेट के द्वारा जैसे हाथ ज्वाइन किए गए थे यहाँ पर बाल्टिक वे की तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, सोवियत यूनियन के कंट्रोल को हटाने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है चाइना के कंट्रोल को हटाने के लिए, यानी कि चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो देखते हैं चाइना से यहाँ पर सोल्यूशन निकल पाता है, निजात मिल पाती है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये ब्लैकलिस्ट करने की बात की जा रही है किसको, पाकिस्तान को। तो किसके द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो ये बेसिकली क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ में जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जाती है वो फंडा आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर पाकिस्तान दोनों को ही कंट्रोल करने में काफी कमजोर रहा है, 40 इंडिकेटर में से यहां पर लगभग जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 32 इंडिकेटर पे फेल हो गया पाकिस्तान, ओनली 8 पे पास है, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में ला दिया आप लोग, या फिर इसको ब्लैकलिस्ट बोल सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होगी, अभी किसकी थी, ये थी एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो कि इसका पार्ट है। अब यहां पर जो मेन मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या कंडीशन पाकिस्तान की बनती है। यूके की अगर बात करें, यूके ने भी बोल दिया भैया ये आप लोगों का बायलेटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर, और आप लोग आपस में बात करो, कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं आएगा, और ये यहां पर अनाउंसमेंट अभी इनके यूके की साइड से निकल कर आ रहा है। अमेजन फॉरेस्ट जिनको लंग बोला जाता है पृथ्वी का, वो धधक रहे हैं, इतनी ज्यादा आग यहां पर लगी हुई है, हालांकि बारिश होने से थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। जर्मनी नॉर्वे ने यहां पर शटडाउन कर दिया कंजर्वेशन इनिशिएटिव। देखिए होता क्या है, अब तक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही थी, पर यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है ना उसके द्वारा बहुत सारा फॉरेस्ट यहां पर कटवा दिया गया, बोला गया फिर से उग जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग थे परेशान। पर लेकिन अब यहां पर यही बात देखने को मिलती है कि क्या इसका सोल्यूशन निकल कर आता है। चाइना के द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर 75 बिलियन का वर्थ जो यहां पर यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर टैरिफ, यानी कि ट्रेड वॉर और ज्यादा गंभीर यहां पर होती जा रही है। जैसे को तैसे वाली बात है कि तुम्हारे ऊपर लगाओ ये इस तरीके के जो भी चीजें हैं टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो देखते हैं जाकर कहां पर रुकते हैं और क्या सॉल्यूशन निकलता है। आगे बात करते हैं, आज का क्विज आप लोगों के सामने, न्यू स्टार्ट स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी ये यहां पर कब साइन की गई थी, जो कि 2021 में खत्म होने वाली है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कैपिटल हमारी कंट्री की, यानी कि हमारी कंट्री की जो दिल्ली है उसके बारे में बात की जा रही है। कंपोजिट वोटर जो यहां पर मैनेजमेंट इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, गुजरात के द्वारा यहां पर टॉप किया गया है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को अभी ब्लैकलिस्ट किया गया है किसके द्वारा यहां पर, या फिर लोवेस्ट रैंक में आप लोग बोल सकते हैं। अमेजन फॉरेस्ट कौन सी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 2001 में यहां पर अनाउंस किया गया था यूएसए के द्वारा विड्रॉ करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये कब साइन की गई थी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के बारे में आप लोगों को बता होना चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी ये अडॉप्ट किसके द्वारा की गई थी,
वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट वीडियो में आप लोगों से। ये एचआर खन्ना की कमेटी थी जो कि यहां पर बात कर रहे थे कि ईज करने के लिए एफपीआई के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सिटीजनशिप जो आती है पार्ट सेकंड में आती है हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। एनआरसी जो अपडेट हो रहा है यहां पर ये 24 मार्च 1971 डेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिटीजनशिप एक्ट जो है यहां पर जिसको अमेंड करने की बात की जा रही है बार बार, ये 1955 का है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर कोई लोग आते हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी तो उनको अलाउ किया जाएगा एज ए सिटीजनशिप के लिए। इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी वो 1971 की वॉर थी जिसमें यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया था, किसका ये पर्टिकुलर एरिया था, यूएसएसआर का, जिसके द्वारा हमारी कंट्री में सपोर्ट भेजा गया था जो यूएसए के और ब्रिटेन के द्वारा जो जहाज भेजा गया था उसको रोकने के लिए, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, तो राजस्थान के द्वारा टॉप किया गया है। 2+2 डायलॉग जो होने वाला है यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलकर काम करती है, कैलिफोर्निया के अंदर होगा, पहले वाला इंडिया के अंदर था। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी देखिए इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, एक जगह सारी इकट्ठी मिल जाएंगे, और बाकी इसी के साथ में फेसबुक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मॉर्निंग का लेक्चर भी आप लोगों का आ गया था टाइम पर। और देखिए एक बात और बतानी है, संडे में आप लोगों का टेस्ट अब की बार नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेशन की वजह से घर पर हैं या इधर उधर हैं, तो उन्होंने बोला सर संडे में टेस्ट मत रखो, तो संडे में टेस्ट नहीं होगा अब की बार आपका, तो याद रखिएगा बीच में किस दिन ले लेंगे। संडे में आप लोगों की नॉर्मल वीडियो आएगी क्वेश्चन वाली जो आती है और काफी शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए डे बाय डे, वो आप लोग एक सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। अभी आप लोगों को लग नहीं रहा होगा पर लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे ना आप लोग खुद फील करेंगे कि हाँ बहुत सही चल रहा था, और ये डे बाय डे की चीजें होती हैं तो उनको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। वीकेंड में अपना किसी को पढ़ा दीजिए टाइम निकाल का, सामने वाले के बारे में थोड़ा सोचिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाइए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से सेव कीजिए, पॉलिथिन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।